हाँ जी, कैसे हैं बच्चों? सब ठीक हैं? सर भी ठीक हैं? अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो बेटे, आज हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन की एक एक आइटम को लेना शुरू करेंगे और उसे डिटेल में स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और पुराना आपके पास कोई होमवर्क नहीं था, इसलिए सभी बच्चे इस टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो आइए और मेरे साथ साथ हम लोग समझना शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे टॉपिक का नाम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो बेटे, ये है हमारी फर्म, दिस इज अवर फर्म। एंड दीज आर पार्टनर्स। अब बेटे एक मिनट थोड़ा सा फोकस करते हैं। पार्टनर ने फर्म में से अमाउंट विड्रॉ किया, अमाउंट विड्रॉन, और फर्म ने पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, और ये इंटरेस्ट हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम बनेगी, क्योंकि हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहली बात आती है कि सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। हम जब भी बेटे पार्टनर के साथ कोई डीलिंग करते हैं तो हम उस पार्टनर से ना तो कैश लेते हैं ना ही उस पार्टनर को कैश देते हैं, हम उसके अकाउंट में एंट्री को ट्रांसफर कर देते हैं। तो फर्म ने पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया। तो नंबर वन, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। सबसे पहले हम बच्चों से बात करेंगे कि बताओ बच्चों इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सर, क्योंकि आपने अभी अभी समझाया ये फर्म की इनकम होती है और अकाउंटिंग हम हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो इसीलिए हम इनकम को क्रेडिट कर देते हैं। तो हम लोग क्रेडिट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और डेबिट कर देते हैं पार्टनर्स। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, मोस्टली फ्लक्चुएटिंग होती हैं, तो कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो हम सभी जानते हैं फिर हम करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। नंबर टू, हमें पता है अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है। आप किसी भी एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करते हो तो ईयर के एंड में उस एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट को क्लोज भी किया जाता है बाय ट्रांसफरिंग टू फाइनल अकाउंट्स जो आप बनाते हैं। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये भी एक इनकम है, तो इसे भी हमें ईयर एंड पर क्लोज करना होगा, टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट एट द ईयर एंड। ईयर के एंड में इस अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी। बताओ क्या एंट्री होगी, बताओ?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ध्यान से सुनना, पहले आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट किया था, अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूं तो अब मैं इसे डेबिट करूंगा और इसे ट्रांसफर कर दूंगा अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक हो गया? यस सर। अब बेटे मेरी पहली एंट्री बननी चाहिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और फिर वो ईयर एंड में मेरी क्लोज होनी चाहिए। आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, और उसके साथ एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब ये होता है बेटे कि अगर ये एंट्रीज हमने दोनों पास नहीं की तो फिर जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम उसको एडजस्टमेंट की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि आप अगर ये दो एंट्री पास करें तो ये दो एंट्री भी पास कर सकते हैं, और अगर आप ये कहें कि सर ईयर एंड पे हम एक ही एंट्री पास करना चाहते हैं तो इन दोनों को क्लब करके आप सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। तो क्या मुझे बच्चे बता सकते हैं कि इन दोनों एंट्रीज को अगर मैं क्लब करूं तो मेरी क्या एंट्री बनती है? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट। तो बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपस में खत्म हो गया, मेरा क्या बच गया? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि इसका दूसरा तरीका यह है, व्हेन वन कंबाइंड एंट्री इज मेड, यानी कि आप अगर कंबाइंड एंट्री भी लिखेंगे तो भी वो ठीक होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसकी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिग करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री बताएं, तो बेटे या तो एंट्री नंबर आप 1 लिखोगे तो भी ठीक होगी, या ये सीधा एंट्री नंबर 3 लिखोगे तो भी ठीक होगी। ठीक है, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि आपने कौन सी एंट्री बनाई है। तो सभी बच्चे इस बात में घबराएंगे नहीं कि सर ये ठीक है या ये ठीक है, सभी ठीक है। ये दरअसल साल में दो एंट्री बनती हैं और ये हमारी एक ही साल के एंड में कंबाइंड एंट्री बनती है। ठीक है सर, हम ये बात समझ गए। अब बेटे आप सभी ने देखा कि जब भी हम इस एंट्री को पोस्ट करते हैं तो फिर हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसमें पार्टनर का नाम लिख देते हैं एक्स पार्टनर वाई पार्टनर, हम ये एंट्री इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो सर हम जानते ही थे। क्या आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में हमें ये सिखाना था कि इसकी एंट्रीज कैसे पास करते हैं? तो हम ये बात सीख गए कि या तो ये दो एंट्री पास कर दो या सिंगल एक यही एंट्री पास कर दो। मैंने कहा बच्चे आपको मैंने सिखाना है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं बताओ, बचपन से हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट सीखते आ रहे हैं तो आप हमें इंटरेस्ट का अमाउंट सिखाओगे? मैंने कहा यस, सॉरी, लिखें कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मैं समझाना ये चाहता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में ना कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं सीखने के लिए, और इसीलिए एग्जामिनर आपसे एग्जाम में इसको पूछेगा भी सही। तो आपको ना ये बात समझनी पड़ेगी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। खैर, सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर इंटरेस्ट के बारे में तो हम अभी तक ये तो बात एटलीस्ट जानते ही हैं कि अगर आपने इंटरेस्ट निकालना हो तो जो भी अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल होता है उसे रेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं विद टाइम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमेशा तभी लगाते हैं जब ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड हो।
ये बातें सभी आपको पता हैं, डीड में मेंशन्ड होगा तभी रेट आपके पास अवेलेबल होगा। इस टाइम का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं और दोबारा भी समझा देता हूं कि अगर मैं ये आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं कि दिस इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड दिस इज एंडिंग ऑफ द ईयर एंड दिस इज माई डेट ऑफ ड्रॉइंग, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेकर के ईयर एंड तक ये जो पीरियड होता है ना, इसी पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और ये बात मैंने लास्ट क्लास में जब आपको क्वेश्चन कराया था तो उसमें भी मैंने आपको समझाई थी। पार्टनर एक ही ड्राइंग नहीं करता, एक से ज्यादा ड्राइंग करता है, तो फिर दूसरी ड्राइंग के इंटरेस्ट निकालेंगे उससे लेकर के ईयर एंड तक, तीसरी ड्राइंग का निकालेंगे उस डेट से लेकर के ईयर एंड तक। सर इसका मतलब अगर पार्टनर ने एक दो तीन ड्राइंग की है तो तीन बार इंटरेस्ट निकलेगा? मैंने कहा यस। अगर वो पांच बार की होगी तो मैंने कहा फिर पांच बार इंटरेस्ट निकलेगा। फिर ये सारे इंटरेस्ट ऐड करके यहां पर डाले जाते हैं। सर अभी तक के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सिंपल आते थे, मैंने कहा आओ बेटे अभी भी क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे, हम अपनी बातें तो करनी शुरू कर लें। ठीक है सर, तो हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे एक क्वेश्चन मिला है आपको समझाने के लिए, पेज नंबर 1.21, इलस्ट्रेशन नंबर 15। अब इसकी ना आप वो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं आप इनको मत देखना, आप हमारे साथ सीधी सीधी बातों को समझना कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है इन पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि इनकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और इसीलिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016 अ पार्टनर ड्यू एज फॉलोस। एक पार्टनर की ड्रॉइंग हमें दी गई है। ठीक है सर, क्या ड्राइंग हमें दी गई है? हमें पार्टनर की ड्राइंग्स दी गई हैं 1st ऑफ मे को 2000, 1st ऑफ मे को 2000, 1st अगस्त को 5000, 30th सितंबर को 2000, जनवरी में 6000, मार्च में 2000। एक दो तीन चार पांच, वाह जी वाह, बाय चांस पांच निकल आई। मुझे इसका इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए। आइए जी, हालांकि आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है लेकिन देखना मत, फिर आप सीखोगे नहीं। ठीक है सर, हम तो आपको ही देखते हैं और आपके रजिस्टर से कॉपी करते हैं, आप बनाओ हम कॉपी करते हैं। बताओ कैसे नालायक बच्चे हैं, कह भी रहे हैं कि हम आपको कॉपी करते हैं। सर सीखना तो आप ही को है, गुरु के पद चिन्हों पर चला जाता है। ठीक है सर, आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 12। हम आपको सिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है सर, अब सर इसको तो निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने कहा बताओ क्या फॉर्मूला है? सर फॉर्मूला है अमाउंट बता दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, टाइम पीरियड बता दो, बस उसके बाद तो हम ही कर लेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है आइए करते हैं। हमारा ईयर एंड होता है 31st ऑफ मार्च को, ये ध्यान रखना, ईयर एंडिंग है 31st ऑफ मार्च और ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च 2016। ठीक, आइए जी मेरी पहली जो ड्राइंग है वो है 1st ऑफ मे को, 1st ऑफ मे को, तो उसका पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। 2000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15% मल्टीप्लाइड बाय 1st ऑफ मे है, तो बताओ कितने महीने बनेंगे?
फर्स्ट ऑफ मई से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक, जानते हो इस पीरियड में केवल एक ही महीना मिसिंग है और वो महीना है अप्रैल का, तो यानी 11 मंथ्स का, तो ये हो जाएगा 11/12। सर निकालना जरा, तुम क्या करोगे? सर हम आपकी कॉपी कर लेंगे। हाँ नालायकों 275। आइए जी, 1/8 अमाउंट है 5,000। सर सर 1/8 इंटू 15% इंटू आठवां महीना शामिल कर लेना, तो आठ गिनो, 8, 9, 10, 11, 12, जनवरी फरवरी मार्च, तो बेटे मेरे पास आते हैं 8 मंथ्स, 8/12। सर निकालना, यह आया 500 रुपये। तीसरा, 30 सितंबर, 30 सितंबर, इसमें अमाउंट इन्वॉल्व था 2,000, 15%, और क्योंकि ये सितंबर खत्म हो चुका है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने ये और 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, 6/12, 2,000, 15% इंटू 6/12, 150। नंबर फोर, 31 जनवरी, सर ये अमाउंट है 6,000, 15%, और हम बताएंगे कि सर आप इसे निकालिए 2 महीने का, फरवरी और मार्च, ये आ गया 150। लास्ट ड्रॉइंग है 31 मार्च, 31 मार्च, 2,000 इंटू 15% इंटू 0/12, क्योंकि 31 मार्च के बाद में 31 मार्च तक कोई पीरियड नहीं है, तो ये हो गया जीरो, तो ये अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 150 इंटू 2 प्लस 775, 1,075। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि हम इस ड्राइंग्स को अलग अलग निकालें। अब हमारे बच्चे पूछ रहे हैं सर बताओ कितने नंबर के सवाल आएंगे, एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और उसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन भी करो। आइए जी, तो बेटे ये तो एक सिंपल सा तरीका, हर कोई मैथमेटिक्स का तरीका जानता है, अब इसे करने का कुछ स्मार्ट तरीका भी है। आइए जी स्मार्ट तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने ये देखा कि इन सब में एक तो 15% कॉमन था, और एक सभी में 1/12 भी कॉमन था। ठीक है, तो हमने इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाला। हमने क्या निकाला? हमने इसका तरीका निकाला, देखिए, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, इनको छोड़ करके जो बाकी पार्ट बच गया पहले उसे सॉल्व करो। 2,000 इंटू 11, ये 2,000 क्या था? ये था अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। इसका मतलब अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग को मल्टीप्लाई कर दो विद नंबर ऑफ मंथ्स। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से जो आएगा उसको कहो प्रोडक्ट। तो पहली ड्राइंग थी 2,000, दूसरी ड्राइंग थी 5,000, तीसरी ड्राइंग थी 2,000, चौथी ड्राइंग थी 6,000, पांचवी ड्राइंग थी 2,000। नंबर ऑफ मंथ्स वही रहेंगे, 11 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए, जीरो। प्रोडक्ट 22,000, 40,000, 12,000, 12,000, जीरो। इट इज कॉल्ड सम ऑफ
प्रोडक्ट्स, तो 246, 246 प्लस 7 प्लस 8, 86,000। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो वो आ गया 86,000। अब आप क्या करें, 86,000 को इन सभी में कॉमन था मल्टीप्लाई करना 15% से, और इन सभी में कॉमन था 1/12। 86,000 इंटू 15% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, 1075। अब भी वही आंसर आया। ठीक है, इसका मतलब है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट कंप्यूट करना है तो बेटे आपके पास दो तरीके हैं। नंबर एक, सिंपल वर्क, स्मार्ट वर्क। सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका यह है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ईच ड्रॉइंग सेपरेटली। हर एक ड्रॉइंग का इंटरेस्ट सेपरेटली फाइंड करो। कैसे? जो भी उसका अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है उसे मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और उसे मल्टीप्लाई करो टाइम अपॉन 12 से। ठीक है, लेकिन आपका थोड़ा समय बच सकता है अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहो। स्मार्ट वर्क कहता है प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट मेथड कहता है कि नंबर वन, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, बाय नंबर ऑफ मंथ्स। अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे हम नाम दे देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे सभी का प्रोडक्ट निकालेंगे। और नंबर टू, इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1/12। क्योंकि ऊपर मैंने मंथ्स में काम किया है इसलिए यहां पर आ रहा है 1/12। अगर किसी क्वेश्चन में मैं नंबर ऑफ डेज में काम करता तो यहां आता 1/365 या 366। लेकिन डेज में फिगर बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए डेज में कोई काम भी नहीं करता। लेकिन आपकी बुक ने लिखा है कि नंबर ऑफ डेज भी ले सकते हैं तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। नहीं तो हम हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स में ही काम करते हैं, फुल मंथ, हाफ मंथ, बस इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन हमारे पास नहीं आते। अब बच्चा कह रहा है सर चाहे ये करूं या ये करूं दोनों में मेहनत मेरी बहुत लगी है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस में ना तो मुझे ऐसे काम करना पड़ेगा और ना ही मुझे ऐसे काम करना पड़ेगा। बच्चे कह रहे हैं सर फिर क्या करना पड़ेगा? आइए जी, मोस्टली क्वेश्चंस में बेटे हम पार्टनर से कहते हैं कि देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, आप एक काम कीजिए, आप एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए। सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। मैंने पार्टनर से क्या कहा? नंबर वन, फिक्स योर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। जैसे कि अगर कोई पर्सन जॉब करता है तो उसे हर मंथ एक फिक्स सैलरी मिलती है, ऐसे ही पार्टनर कहता है कि भाई मुझे भी तो अपना घर चलाना है तो
तो हर महीने मैं एक फिक्स अमाउंट निकाला करूंगा, ठीक है? तो एक तो अमाउंट फिक्स हो गया, और दूसरा जनरली पार्टनर पीरियड भी फिक्स कर लेते हैं, और ये पीरियड मोस्ट ऑफ द केसेस में मंथली ही होता है। इसका मतलब ये कि अगर आपका अमाउंट फिक्स्ड है और आपकी पीरियड ऑफ ड्रॉइंग भी फिक्स्ड है, तो फिर हम इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं और हमारा काम इसमें बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। देखो कैसे, पिछली बार मैं सिर्फ 15% कॉमन ले सका, 1/12 कॉमन ले सका, अमाउंट कॉमन नहीं ले पाया क्योंकि अमाउंट में कुछ कॉमन था नहीं। हालांकि आप कह सकते हो सर हजार हजार रुपए इसमें भी कॉमन निकल सकते थे, लेकिन मैंने कहा सोचो अगर यहां पर भी 5000 होता, यहां भी 5 होता, कर मत देना समझने के लिए, यहां भी 5 होता, यहां भी 5 होता, यहां भी 5 होता, तो कितना बढ़िया हो जाता, ये सभी में सेम अमाउंट हो जाता तो ये मेरी कैलकुलेशन और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती। तो हमने पार्टनर से कहा कि आप अपनी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग और पीरियड को फिक्स कर लो। उसने कहा ठीक है मैं फिक्स कर लेता हूं, इससे क्या फायदा होगा? हमने कहा इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगी, एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगी, ठीक है? तो आगे लिखेंगे एवरेज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट मेथड, दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर कॉन्स्टेंट। इसका मतलब आपकी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स हमेशा सेम होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर सेम एंड पीरियड ऑफ ड्रॉइंग्स इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट या सेम, ठीक है? तो पार्टनर कहता है कि मैं अपना अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग और पीरियड ऑफ ड्रॉइंग दोनों कांस्टेंट कर लेता हूं। हमने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। हमने उससे पूछा आप एक बात कहिए कि आप कैसे ड्रॉइंग करेंगे? अब ये मत कहना सर डेली करेंगे वीकली करेंगे, नहीं, या तो ड्रॉइंग्स होंगी मंथली फॉर फुल ईयर, हर महीने घर चलाना है ना तो हर महीने पैसे लेके जाने होंगे, तो ड्राइंग आप मंथली कर लीजिए पूरे साल तक, या फिर आप ड्राइंग कर लीजिए क्वार्टरली और ये भी फॉर फुल ईयर। इसका मतलब इसमें 4 ड्राइंग होंगी और इसमें 12 ड्राइंग होगी। अब बेटे क्वार्टरली ड्राइंग थोड़ी ना ऑड सिचुएशन है, मतलब ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों को तंग करने के लिए बनाई गई है, नहीं तो कायदे से तो मंथली ही होंगी, ठीक है? अगर मंथली होंगी तो आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? आपको फॉर्मूले में एवरेज पीरियड अप्लाई करना है, और एवरेज पीरियड कहता है अगर ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होंगी तो 6.5 मंथ लेना, मिडल में होंगी तो 6 मंथ लेना, एंड में होगी तो 5.5 मंथ लेना। अभी समझाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। और अगर ये क्वार्टरली होंगी तो फिर एवरेज पीरियड क्या लेना है? तो फिर एवरेज पीरियड बिगिनिंग के लिए लेना है 7.5 मंथ, मिडल के लिए लेना है 6 मंथ, और एंड ऑफ द क्वार्टर के लिए लेना है 4.5 मंथ, ठीक है? अच्छा जी, हमारा एवरेज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या कहता है पहले तो ये समझो। हमारा एवरेज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि भाई
इंटरेस्ट को निकालने का सरल तरीका अब ये लगेगा कि टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड अपॉन में 12। और आपने ये एवरेज पीरियड ही समझना है कि ये एवरेज पीरियड कैसे पुट होगा। ठीक है, एवरेज पीरियड बेसिकली एक मैथमेटिकल शॉर्टकट है, और एवरेज पीरियड कहता है कि यदि कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आप फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड प्लस लास्ट ड्राइंग का पीरियड इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज पीरियड मिल जाएगा। ठीक है सर, अब आप बताइए ये आपने कैसे निकाला। बेटे मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, आपने ये बातें नोट कर ली हैं। अगर आपने ये बातें नोट कर ली हैं तो आइए और मेरे साथ साथ डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसमें लिखा है कि अ पार्टनर ड्रॉज 1000 पर मंथ। अब आप देख सकते हैं 1000 पर मंथ का मतलब यह है कि आपने अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग को कांस्टेंट कर लिया है। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज टू द पार्टनर इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। जानते हो बिगिनिंग ऑफ द मंथ का पीरियड अलग है, मिडल ऑफ द मंथ का पीरियड अलग है और एंड ऑफ द मंथ का पीरियड अलग है। पहले क्वेश्चन को जरा अपने दिमाग में सेट कीजिए कि वो 1000 रुपीज पर मंथ निकालता है और कब निकालता है। केस नंबर वन, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। पहले मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए इसका मतलब है कि सबसे पहले अगर ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को सपोज, तो उसने पहली ड्राइंग 1 जनवरी को की कितनी, 1000। उस पे 15% इंटरेस्ट लगा होगा, कितने महीने का, पूरे के पूरे 12 महीने का। दूसरी ड्राइंग की होगी 1 फरवरी को, 1000 रुपीज की, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, ये लगेगा 11/12, 11 महीने हो गए। इसी तरह से आखिरी ड्राइंग की होगी 1 दिसंबर को, अमाउंट रहा होगा 1000 इंटू 15% इंटू 1/12। इसका मतलब मुझे 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर मैं सिंपल मेथड से काम करता हूं। बोलिए, ठीक है। अब हमारे पास एक मैथमेटिक्स शॉर्टकट आ गया। हमारा मैथमेटिक्स शॉर्टकट कहता है कि देखिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, 1/12, 1/12, 1/12, ये भी कॉमन है, ये अमाउंट भी कॉमन है। तो हमारा प्रोडक्ट एवरेज पीरियड मेथड कहता है कि हम आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रहे हैं जिससे आप शॉर्टकट से काम कर सकते हैं। हमने कहा क्या शॉर्टकट है, उन्होंने कहा देखो पहले तो लो टोटल ड्रॉइंग्स, मुझे बताओ अगर 1000 रुपीज पर मंथ आप विड्रॉ करते हो तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएंगी, 1000 इंटू 12, 12000। इसे मल्टीप्लाई करना 15% से, इसे मल्टीप्लाई करना एवरेज पीरियड अपॉन 12 से। अब सर ये एवरेज पीरियड क्या है, तो बेटे एवरेज पीरियड मैंने आपको ऊपर लिख के दे दिए, लेकिन एवरेज पीरियड को निकालने का तरीका है कि पहली वाली ड्राइंग का पीरियड प्लस आखिरी वाली ड्राइंग का पीरियड अपॉन में 2। तो 12 + 1/2, तो ये हुआ 13/2 और ये हुआ 6.5। जानते हो अगर मैं इसे मिडल में लेता तो
तो पहली ड्राइंग होती 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 15 दिसंबर को, तो ये पीरियड हो जाता 12 की बजाय 11 एंड हाफ मंथ, 10 एंड हाफ मंथ, और ये लास्ट वाला हो जाता हाफ मंथ। तो मिडल में हो जाता 11 एंड हाफ मंथ प्लस हाफ मंथ, पहली ड्राइंग का पीरियड आखिरी ड्राइंग का पीरियड डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 मंथ। सिमिलरली अगर मंथ के एंड में निकाल रहा होता तो ये 31st 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 हो जाता। अब बच्चे कह रहे सर ये 31st नहीं होता, 28 या 29 होता, समझ में? तो मैंने आपको बताया कि आपको याद कर लेना है कि एवरेज पीरियड कैसे डिफाइन करते हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकालते हैं तो 6 एंड हाफ मंथ, मिडल में 6 मंथ, एंड में 5 एंड हाफ मंथ। क्वार्टरली करते हैं तो 7 एंड हाफ मंथ, 6 मंथ, 4 एंड हाफ मंथ। सर कभी भूल जाएं तो माइंड में विजुलाइज कर लेना है कि पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करूं तो एवरेज पीरियड क्या आता है। ठीक है सर, आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर 1.19। इसमें लिखा है कि ड्राइंग्स करता है बिगनिंग, तो भाई केस नंबर 1, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ में आप ड्राइंग करते हैं, ऐसे लिख लो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, तो टोटल ड्रॉइंग्स होंगी मेरी कितनी 12,000, रेट कितना 15%, एवरेज पीरियड कितना 6 एंड हाफ अपॉन 12। निकालिए जी 12,000 × 15% × 6.5 / 12, ये आंसर आता है 975। आप चाहें तो सिंपल मेथड को लगा के देख लेना, 12 बार आपको इंटरेस्ट निकालना है, आंसर यही आएगा। बेटे अपनी नॉलेज को पक्का करने के लिए अगर थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो कंजूसी करने की बात नहीं है, कर लेना। सर अगर मैं प्रोडक्ट मेथड लगाऊंगा तो भी यही आएगा, तभी तो आपके मन में विश्वास आएगा कि ये वाला फॉर्मूला ठीक है। बच्चे कह रहे हैं इतनी मेहनत करके विश्वास करना, इससे अच्छा आपने इतना हमारे को सता लिया, हमने उसी से याद कर लिया। अब मैं क्या कहूं, बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं, इतना शॉर्टकट मारना चाहते हैं आजकल के बच्चे। हम तो बेटे कंफर्म कर लिया करते थे कि टीचर ने सही कहा है कि गलत कहा है। बच्चे कह रहे हैं हमें आप पर पूरा भरोसा है, 12,000 × 15% × में, अब ये मिडल में है तो मिडल में होगा 6 अपॉन 12, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आएगा। अब 12,000 × 15% / 12 × 6, ये हो गया 900। ओहो, तो सर एंड वाले में तो 825 रुपए का आंसर आ जाएगा। देखते हैं 12,000 × 15% और एंड ऑफ द मंथ है तो 5 एंड हाफ अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 12,000 × 15% × 5.5 / 12, 825। ठीक है सर, अब आपने इतनी मेहनत की है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 किया है, तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 करेंगे। आइए जी देखते हैं क्या आप इलस्ट्रेशन नंबर 13 कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर सिद्धांत एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस, इफ ही विड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 9,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ऑर्डर ध्यान रखना, बिगिनिंग एंड और मिडल, बताओ जी बिगिनिंग एंड और मिडल में आप कैसे काम करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13, क्वार्टरली ड्राइंग्स हैं, क्वार्टरली ड्राइंग्स में अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हो तो 7 एंड हाफ, मिडल हो तो 6 मंथ,
एंड ऑफ द क्वार्टर हो तो 4.5 मंथ। ठीक है, आइए जी सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, नंबर 1, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। चलिए जी केस नंबर 1। अब वो ड्रॉ करता है 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो जानते हो टोटल ड्रॉइंग्स हो जाएंगी 6000 इंटू 4। रेट दिया हुआ है हमें 10% और एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ द मंथ में है तो 7.5 अपॉन 12, 24000, 10% 7.5 महीने के लिए। 24000 10% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आया 1500 रुपए। नंबर टू, अगर आप मिडल ऑफ द क्वार्टर, अच्छा केस नंबर टू तो सर एंड ऑफ द क्वार्टर था, सॉरी, अगर आप एंड ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग करते हैं तो फिर 24000 टोटल ड्राइंग्स तो सेम रहेंगी, साल में 4 बार ड्राइंग्स हुई हैं, रेट भी सेम रहेगा, लेकिन एंड के लिए हो जाएगा 4.5। तो ये हमारा हो गया 2400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 4.5, 900। तीसरा केस, तीसरा केस हो गया मिडल ऑफ द क्वार्टर। अगर आप मिडल ऑफ द क्वार्टर में करते हैं तो 24000 इंटू में 10% इंटू में 6 अपॉन 12, आंसर आ गया 1200। ठीक है सर, अब सर ये तो हुआ कि अगर हम लोग ड्राइंग्स करते हैं कांस्टेंट ड्राइंग्स एट द फिक्स्ड इंटरवल और वो मंथली या क्वार्टरली कुछ भी हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं एक और पॉइंट। तो आप एक काम कीजिए, पहला कंसेप्ट लिख लीजिए, पहला कंसेप्ट तो लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, ये तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग थी। फिर हमने आपको सेकंड बताया एवरेज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, अब तीसरी बात आपको बताने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 3। इफ सिंगल ड्रॉइंग इज गिवन बट डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो भाई फिर मैं क्या करूंगा? तो लिखें इन दैट केस टेक पीरियड इक्वल टू 6 मंथ्स, इसका मतलब पीरियड को आधा कर देना। ठीक है सर, पीरियड को आधा कर देना, जी हां, अगर आपको पीरियड ना दिया हो तो फिर पीरियड को आप हाफ कर देना। नंबर 4, इफ रेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन विदाउट पर एनम, हमेशा बेटा रेट ऑफ ड्राइंग्स में पर एनम दिया हुआ होता है, लेकिन एग्जामिनर कई बार हमें तंग करने के लिए पर एनम का वर्ड हटा देगा। तो अगर आपको रेट ऑफ ड्राइंग सिंपल दिया हुआ है विदाउट पर एनम, देन डू नॉट मल्टीप्लाई इट विद टाइम, यानी इस केस में इंटरेस्ट होगा अमाउंट
सिंपली मल्टीप्लाइड बाय रेट। अमाउंट को सीधा सीधा रेट से मल्टीप्लाई कर देना, टाइम पीरियड को इग्नोर कर देना। सर ये वाली बात कहां सिखाई गई है? तो बेटे ये वाली बात सिखाई गई है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16, टीएस गरेवाल, पेज नंबर 1.22। आई जी अच्छा सर, ये तो दो अलग अलग बातें हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में अलग बात है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 में अलग बात है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 कह रही है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राकेश एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। नंबर वन, हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000। तो पहले में तो अमाउंट गिवन नहीं है, तो केस नंबर वन में, सॉरी केस नंबर वन में अमाउंट गिवन है, डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है। तो मैं लूंगा 10% मल्टीप्लाइड बाय, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन ना हो तो 6/12, तो इंटू 6/12, तो 3000 का आधा हो जाएगा 1500 रुपीज। ये सिंपल सॉल्व हो गया। दूसरे केस में लिखा हुआ है ही ड्रॉस 2500 पर मंथ। अब सर यहां तो मल्टीपल ड्रॉइंग दी हुई है, 2500 पर मंथ दी हुई है, रेट होगा 10%। अब इसमें भी पीरियड मैं इसी का हाफ कर दूंगा, 6/12 ही लूंगा, तो तब भी आंसर मेरा 1500 ही आएगा। अब बच्चा कह रहा है सर ये हमें परेशान करना नहीं है तो और क्या है? मतलब एग्जामिनर कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे बच्चा क्वेश्चन को छोड़ दे, और बच्चा कह रहा है मैं भी कुछ ऐसा करूंगा, क्वेश्चन को छोड़ूंगा ही नहीं। यानी ये सब जो बातें हैं ना, ये सब बेकार की बातें वो कर रहा है आपको तंग करने के लिए, लेकिन हमें नंबर लेने हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग की थी तो मुझे डेट ऑफ ड्रॉइंग पता होनी चाहिए, डेट ऑफ ड्रॉइंग पता होगी तो मैं मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लूंगा। तो टीचर ने जबरदस्ती के सवाल बना रखे हैं कि अगर मैं आपको डेट ऑफ ड्राइंग ना दूं तो हाफ पीरियड कर देना। मैंने कहा चलिए याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सिमिलरली इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे भी एक बार सभी बच्चे देखेंगे कि वहां क्या लिखा हुआ है। अब बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 17 में लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% इफ ही ड्रू 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पर ध्यान देना कि बच्चा जल्दी जल्दी में 10% पढ़ जाता है, और वो पढ़ेगा भी सही, होता भी यही है, लेकिन यहां पर एनम वर्ड नहीं है, इसीलिए ड्रॉइंग का इंटरेस्ट निकलेगा सीधा 2,50,000 इंटू 10/100। बोलिए समझ में आ गया? ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, और इन बहुत सारी बातों में आइए सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना था एवरेज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो मैं एवरेज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट मेथड को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि एवरेज पीरियड्स क्या होते हैं। एवरेज पीरियड कहता है कि भाई आपको ध्यान ये देना है कि आपकी ड्राइंग्स ईयरली हैं या आपकी ड्राइंग्स 6 मंथली, मतलब हाफ ईयरली है। सर अभी तो आपने हाफ ईयरली हमें पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था तो अब मैं उसमें ऐड कर देता हूं ना बात को, इसमें क्या दिक्कत है। ईयरली ड्राइंग्स में फिर से दो बातें हो सकती हैं, या तो मंथली या फिर क्वार्टरली। क्वार्टरली और 6 मंथ होगा तो सिर्फ और सिर्फ मंथली ही होंगी। देखिए बेटे, एवरेज पीरियड फॉर्मूला हम लगा सकते हैं अगर मेरी ड्राइंग्स ईयरली हो या मेरी ड्राइंग्स हाफ ईयरली हो। यह भी एक क्वेश्चन कई बार तंग करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर तो यही वाला होता है, बाकी ये जो दोनों हैं ना, ये दोनों आपको तंग करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इनके पीरियड बता रहा हूं।
कंसेप्ट सभी का वही है, फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड लास्ट ड्राइंग का पीरियड डिवाइडेड बाय टू। इसमें मंथली होगा तो बिगनिंग ऑफ द मंथ होगा, मिडिल ऑफ द मंथ होगा, एंड ऑफ द मंथ होगा। तो इसमें होगा सिक्स मंथ, इसमें भी होगा सिक्स मंथ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें होगा सिक्स एंड हाफ मंथ, सिक्स मंथ, फाइव एंड हाफ मंथ, इसमें होगा सेवन एंड हाफ मंथ, सिक्स मंथ, फोर एंड हाफ मंथ, इसमें होगा थ्री एंड हाफ मंथ, थ्री मंथ और टू एंड हाफ मंथ। इन पीरियड को याद कर लेना और फॉर्मूला भी याद कर लेना। फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स मतलब सारी ड्रॉइंग्स का सम, इसमें 12 होंगी, इसमें 4 होंगी और इसमें 6 होंगी, मल्टीप्लाइड बाय रेट, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है सर, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हम लोग कर सकते हैं और इन फॉर्मूलों को आपको दो ही बार पढ़ना है, तीसरी बार में वैसे ही आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आइए जी। सर बहुत छोटा दिख रहा है, ओके बहुत छोटा दिख रहा है। अब कुछ ठीक दिख रहा है, राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रू फॉर प्राइवेट यूज 1,20,000 एंड 80,000, इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द ड्रॉइंग्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बेटे अब हमें डेट गिवन नहीं है, अब डेट गिवन नहीं है तो फिर हम 6/12 कर देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क हो जाएगा, व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आर नॉट गिवन। ठीक है सर, और हम लोग क्या कर सकते हैं, बी एंड एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे ड्रू 48,000, 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली। इवन का मतलब होता है इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो यानी 4,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ हुए थे, और 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली तो मतलब 3,000 पर मंथ, यानी बराबर अमाउंट में निकाला गया है। इवनली का मतलब होता है बराबर अमाउंट में निकाला गया है। एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, और मिडिल ऑफ एवरी मंथ में हो जाता है 6/12। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। वो हमें कंफ्यूज कर रहा है, वो कह रहा है कि बच्चा समझेगा कि मैंने सिंगल ड्रॉइंग की है, नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 23, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट और मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। पहले हमारे पास पार्टनर है बी, बी ने ड्रॉइंग्स की हैं 48,000। इवनली का मतलब है कि साल में 4,000 रुपए हर मंथ 12 बार में विड्रॉ किया गया है, इनटू रेट 10%, और क्योंकि ये मिडिल ऑफ द मंथ में किया गया है तो इसलिए 6/12, तो 2,400 रुपए इसका आंसर आएगा। दूसरा एम का 36,000, इसका मतलब 3,000 रुपीज एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, इंटू में 10% इंटू 6/12, तो इसका 1,800 रुपए आंसर आएगा। ट्वेंटी फोर, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ए ड्रू
रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर, ध्यान से देखिए, अब कितने महीने के लिए निकाल रहा है, फॉर 6 months, अच्छा ऊपर वाला था फॉर 6 months एंडेड 30th सितंबर 2013। अब यहां पर क्योंकि 6 month है इसलिए पीरियड चेंज हो जाएंगे, चेक करो। अब बिगिनिंग ऑफ मंथ में 6.5 महीने मत लेना, 3.5 month लेना। नीचे वाले में एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 2.5 month लेना, निकालिए जी। ऊपर वाले में 3.5 month, नीचे वाले में 2.5 month। आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 24, ये पेज नंबर है मेरे पास 1.70 और ये इलस्ट्रेशन नंबर 24 टीएस गरेवाल पेज नंबर 1.70। इसमें सम ऑफ ड्राइंग्स रहेंगी मेरी 4000 × 6, 24000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और क्योंकि ये 6 months की ड्राइंग है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो ये पीरियड हो जाएगा 3.5/12। यहां से देखिए ये वाला केस है 6 month वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है, $350। सिमिलरली इलस्ट्रेशन नंबर 25, इसमें भी वही हो जाएगा 24000 × रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और एंड ऑफ द मंथ की वजह से 2.5 month, आंसर आ जाएगा 250। इलस्ट्रेशन नंबर 26 क्वार्टरली है तो आप होमवर्क करेंगे। ट्वेंटी सिक्स नंबर आपके पास होमवर्क में जाएगा, 27 नंबर भी आपके पास होमवर्क में जाएगा और जो इलस्ट्रेशन थी वो भी आपके पास होमवर्क में जाएंगी। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिस्कशन करूंगा, ठीक है। आज आपके पास होमवर्क में यही 26, 27 है, 22 है और इलस्ट्रेशन को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, यही आपके पास होमवर्क है, इतना ही। और आपको जो आपने पढ़ा है उसकी समरी यहां पर दी गई है बुक के पेज नंबर 1.23 पर। अगर आप आएंगे बुक का पेज नंबर 1.23 अगर आप आएंगे तो ये आपको एंट्रीज बताई गई हैं और ये उसकी एक समराइज्ड आपको टेबल भी दी गई है। हालांकि बच्चे कह रहे हैं जो एवरेज पीरियड का टेबल हमने बनाया है उसमें हमने एक साथ 9 केसेस कवर किए हैं तो वो ज्यादा बढ़िया हैं, तो आप वो याद कर लीजिए, बाकी ये आपकी समरी है, ठीक है ना। बच्चे कह रहे हैं सर हमारे काम की तो यही समरी है, तो फिर ठीक है आपके काम की अगर यही समरी है तो आप इसी को याद कर लीजिए, लीजिए। ठीक, चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। टाटा बाय बाय।